पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बदरवास के पास मेन रोड पर हुए हत्याकांड में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 5/11/2024 को थाना पिछोर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बदरवास में आरोपी गण सुनील लोधी और उसके साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक कार से टक्कर मार दी और उसके बाद जब मृतक और उसकी पत्नी और उसका साथी कार की टक्कर से बच गए तो आरोपी ने अंकित लोधी में गोली मार दी, जिससे अंकित लोधी मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी और एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। गोली मारने के बाद आरोपी गण फरार हो चुके थे। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने लगभग 7 लोगों पर मामला दर्ज किया था, जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया है और गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि सुनील लोधी के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें 7 से 8 लोग शामिल है। सर, बदरवास के पास एक गोलीकांड हुआ था जिसमें कुछ आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 5/11/2024 को ग्राम बदरवास के पास उमरी कला निवासी अंकित लोधी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर से अमित लोधी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास और अन्य सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किए, जिसमें शिवम लोधी, सुनील लोधी व उसके 4 अज्ञात साथियों के नाम सामने आए थे। पुलिस लगातार तभी से तफ्तीश कर रही है, अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश में प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में घटनाक्रम में जो तकरीबन 7 से 8 लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें से 2 व्यक्ति अशोक लोधी और एक महिला जिनका नाम सपना लोधी है, आज पिछोर पुलिस ने गिरफ्तार किए, जिनको आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और अशोक ने पूछताछ पर बताया कि सुनील का और मृतक अंकेश का कूप से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था, जिस पर से सुनील ने हत्या का षड्यंत्र रचा, जिसमें उसका सहयोग सपना लोधी, अशोक लोधी, शिवम लोधी और सुनील का एक दोस्त जिसका नाम बीरेन लोधी है जो कि चरगांव का रहने वाला है, मुकेश लोधी, ब्रजेश लोधी और संजीव लोधी ने दिया है। और इन सब ने पूरा षड्यंत्र रच के अंकेश की हत्या कारित की। सर,